बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज मैं कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी। तो अफ्तारी में आज बन रही है हमारे घर में माश की दाल। तो माश की दाल आज बहुत ही डिफरेंट है, आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। बिल्कुल डिफरेंट हट के दाल है ये, और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी क्रीमी सी ये दाल बनेगी। तो एक पाव दाल लेकर मैंने पहले भिगोया और उसको मैंने इस तरह बिल्कुल गलाकर मैंने इसको बॉईल कर लिया है, लेकिन दाना खड़ा खड़ा है इसका। आधा कप मैंने लिया है घी, इसमें मैं डालूंगी एक छोटी सी प्याज और इसको हम करेंगे सुनहरा। और प्लीज़ वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लें, जो थोड़े से टुकड़े रह गए हैं वो भी डाल दें, बिल्कुल भी चीज़ को ज़ाया नहीं होना चाहिए, रिस्क के हलाल ज़ाया नहीं होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। देखिए प्याज को हमने इतना सुनहरी कर लिया है, एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं और 2 मिनट इसको भी भून लेंगे। दो बड़े साइज के टमाटर पेस्ट बना लिया था, ये डाल देते हैं। एक से 2 मिनट चलाएंगे इसे भी। अच्छा जी, पानी तकरीबन थोड़ा सा खुश्क हो गया इसका, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। फिलहाल जो मैं मसाले डाल रही हूँ वो आप देखिएगा और लास्ट तक आपने वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं वक्तन फवक्तन इसमें चीज़ें शामिल करूँगी। नमक है हसब ज़रूरत 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1/2 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च है 1/2 चाय का चम्मच, एक चुटकी मैंने कलौंजी ली है और एक चुटकी मैंने अजवाइन ली है, 1/2 चाय के चम्मच से कम है ज़ीरा। ये तमाम मसाले इसमें डाल देते हैं, ठीक है, और अच्छा से इसको हम भून लेंगे। मसाला हमने भून लिया है, देखिए कि घी जो है वो अलग हो गया है मसाले से। तो यहाँ पर जो दाल हमारे पास बॉईल हुई हुई, ये हम इसको डाल देते हैं और मैं इस बर्तन को साफ़ भी कर लूँगी। और आपने चम्मच को बहुत एहतियात से चलाना है, ये देखिए इस तरह से ताकि दाल ना टूटे, ठीक है, एहतियात करना है आपने। 1 से 2 मिनट हमने दाल को बॉईल को भून लेना है इस तरह जी। 3 से 4 मिनट मैंने दाल को भूना है। अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ, कोई भी टेट्रा पैक क्रीम जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें क्रीम डाल रही हूँ, ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चाय के चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय के चम्मच, एक अदद हरी मिर्च काट ली है ये भी मैं इसमें ऐसे डाल दूंगी और इसको हम दम लगाएंगे 2 मिनट के लिए। अच्छा, हरा धनिया भी छिड़क दिया है और 2 मिनट का हम दम लगाते हैं। मिनट हो गए हैं, ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी क्रीमी सी माश की दाल जो है वो तैयार है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, लेकिन लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।